नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुदानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के बारे में। दोस्तों, दहेज की जो प्रथा है भारत में वो शुरू से ही है, यानी कि काफ़ी पुरानी है। लेकिन दोस्तों, ये जो दहेज था वो दहेज शादी के समय कोई भी माता पिता अपनी बच्ची को अपनी स्वेच्छा से उसके आने वाले जीवन के लिए कुछ सामान के रूप में, कुछ धन के रूप में दिया जाता था, जो कि किसी भी तरह से गलत नहीं था। लेकिन दोस्तों, समय के अनुसार जो है इस दहेज प्रथा का जो है स्वरूप बदलता चला गया, और उस स्वरूप बदलने के कारण जो है ये एक कुप्रथा के रूप में प्रचलित हो गई। और दोस्तों, ये कुप्रथा के रूप में जब प्रचलित हुई तो सरकार को इस बात का एहसास हुआ कि इस कुप्रथा को रोकना चाहिए, और उस कुप्रथा को रोकने के लिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 लाया गया, जिसके तहत दोस्तों दहेज देना व दहेज लेना दोनों प्रकार को ही अपराध माना गया। और इसमें दोस्तों 6 महीने से लेके 5 साल तक की सजा का प्रावधान भी किया गया अलग अलग सेक्शंस के तहत। ये दोस्तों बहुत ही छोटा सा सेक्शन बनाया गया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10 ही सेक्शन हैं जिसके तहत इसको पूरा कवर किया गया है। दोस्तों, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि भी किसी भी तरह से दहेज की जो प्रथा है ये कुप्रथा ना बन जाए, और इसमें किसी भी तरह की जो एक पक्ष डिमांड करता है वो डिमांड ना हो, और दोनों पक्ष अगर आपसी सहमति से कुछ लेन देन करते हैं शादी के दौरान में तो वो किसी भी तरह से अपराध नहीं है। दोस्तों, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 जो है उसके बाद भी ये कुप्रथा नहीं रुकी, और उस नहीं रुकने के कारण दोस्तों 1986 में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत में सेक्शन 304B को इनेक्ट किया गया, जिसके तहत में 7 साल से उम्र कैद तक का प्रावधान किया गया। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपने स्वेच्छा से अपने बच्ची को कोई भी तरह का अगर उपहार देता है तो वो किसी भी तरह से दहेज की परिभाषा में नहीं आएगा, लेकिन सेक्शन 2 जो है इस एक्ट का उसमें दहेज को परिभाषित किया गया है, जिसके तहत में कोई भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट अगर कोई व्यक्ति देता है एक पक्ष की डिमांड के ऊपर में तो दोस्तों ये जो देना है ये अपराध माना गया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दे तो वो अपराध नहीं माना जाता। इसी तरह से दोस्तों मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जो मेहर है, जो मेहर दिया जाता है वो भी दहेज के तहत नहीं आता। दोस्तों, एक आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जो दहेज शब्द है वो अरबी भाषा का एक शब्द जहेज शब्द है, जिसका मतलब होता है स्त्रीधन, तो वहाँ से इस शब्द को लिया गया है जिसका जो नाम है दहेज दिया गया। दहेज के तहत दोस्तों अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती या डिमांड करता है शादी के समय या फिर शादी के बाद भी, दोनों तरह से अगर डिमांड करता है महिला से तो दोस्तों वो जो है इस एक्ट के तहत आएगा। अदरवाइज स्वेच्छा से दिया गया कोई भी धन या फिर उपहार या फिर गिफ्ट या फिर कोई वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट वो इसके तहत नहीं आता। तो इस तरह से दोस्तों दहेज को जो है अपराध माना गया, और उस रोकने के लिए उसको 1961 में जो है ये एक्ट लाया गया, और उसके बावजूद भी जब नहीं रुका तो 304B को इनेक्ट किया गया क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1986 में। और दोस्तों उसके बाद भी ऐसा कभी कभी समाज में देखने को मिलता है कि कहीं कहीं पर दहेज के कारण बहुओं की हत्या हो जाती है, जो कि एक बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत कुप्रथा है, ये नहीं होना चाहिए और सभ्य समाज में ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और इस तरह से इसके ऊपर में अंकुश लगना चाहिए। दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है ये भारत में सभी धर्मों पर, सभी समाज पर एक तरह से ही लागू होगा, यानी इसके तहत सारे लोग जो भारत की आबादी है वो सारे कवर होते हैं। इसमें किसी भी धर्म या समाज या समुदाय को जो है इसे अलग नहीं रखा गया है, इसको एक्ट को जो है सबके साथ में समान रूप से लागू किया है और ये पूरे भारत में लागू किया गया है। तो इस तरह से दोस्तों दहेज जो है वो स्वेच्छा से अगर कोई पिता अपनी बेटी को देता है तो वो कतई अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति डिमांड करता है, प्रेशर करता है, अगर दबाव डालता है किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को या फिर जो है
वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट को मांगने के लिए या देने के लिए दबाव डालता है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये था आज का डिस्कशन डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के बारे में। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।